लोकसभा चुनाव 2019 में एक न्यूज चैनल को दिए गए इंटरव्यू में शिवपाल यादव ने बहुत बड़ी बात कही थी। शिवपाल सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी से अलग होने के लिए खुलकर बात की। उन्होंने परिवार के झगड़े और अखिलेश से हुई नाराजगी के बारे में बताया था। इंटरव्यू के दौरान शिवपाल सिंह यादव ने कहा था कि अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव में मेरा खुला विरोध कर रहे थे। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि पारिवारिक झगड़े भी समाजवादी पार्टी के अलग कारण बने थे। एक न्यूज चैनल में बात करते हुए शिवपाल यादव ने लोकसभा चुनाव में एक इंटरव्यू के दौरान समाजवादी पार्टी से अलग होने के कई कारण बताए। उन्होंने कहा था कि विधानसभा चुनाव 2017 के बाद कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी हैं कि मुझे समाजवादी पार्टी से अलग होना पड़ा। सपा पार्टी के प्रमुख महासचिव प्रोफेसर साहब और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मेरा खुलेआम विरोध किया था। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए शिवपाल यादव ने कहा था कि जब परिवार में इस तरह के मामले होने लगे तब विवाद हो ही जाता है। उनके इस बात पर रिपोर्टर ने सवाल पूछा कि क्या आप सपा से अलग होने का मुख्य कारण यही था, तो अखिलेश यादव ने आपका खुलेआम विरोध किया था। उन्होंने बताया कि विधानसभा चुनाव के पहले मुख्यमंत्री पद के नाम पर जब मुहर लग रही थी तो राम गोपाल ने अखिलेश का नाम रखा था, जबकि मैं नेताजी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाना चाहता था। उन्होंने कहा कि बाद में मुझे मंत्री पद से भी बर्खास्त कर दिया गया था और यहीं से खटास की शुरुआत हो गई थी।